चलिए व्यूअर्स बनाते हैं आलू की सूखी भाजी। इसके लिए हमने यहाँ पर अंदाजे से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और हमें 1/2 kg आलू की भाजी तैयार करनी है। तो इसे कड़क गर्म होने दें ताकि ये स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और इसका कड़वापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/2 teaspoon 5 फोड़न और 1/4 teaspoon से भी कम 1/8 teaspoon हींग। तो अब ये कड़क हो चुका है, यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च डाल देना है और ठीक यहीं पे भुनी हुई भाजी डाल दें। अब यहीं पर 2 प्याज की कटी हुई स्लाइसेस हमने डाल दी है, 1 टमाटर मोटे टुकड़े में कटा हुआ डालें। यहाँ पर कोई सेट रूल तो है नहीं, जैसी मर्जी वैसा काट कर डाल दें, आखिरकार तो इसे गल ही जाना है। थोड़ा कड़क रंग आए इसके लिए 1/2 teaspoon हमने हल्दी पाउडर डाला है। अब 1/2 teaspoon ही धनिया पाउडर डाला है, 1/4 teaspoon मिर्च पाउडर डालें या जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। 1/2 teaspoon जीरा पाउडर है और हमारी आलू की भाजी भी 1/2 kg है। दरदरा कुटा हुआ 1/2 teaspoon काली मिर्च है, 1/2 teaspoon नमक डाल लें या नमक स्वाद अनुसार ले लें। अभी तक मैंने फ्लेम को धीमा रखा था, अब इसे टेस्ट करना है। आहिस्ता से इसमें स्पैचुला डालें और इस तरह से इसे हिला लें। अब ये तेज आंच पर पक रहा है तो एक बार फिर से इसमें स्पैचुला डालकर हल्के हाथों से उलट पलट करनी, इतना नहीं चलाना है कि इसकी भाप एस्केप हो जाए वरना इसे गलने में वक्त लगेगा। हम इसी तरह इसे इकट्ठा ही रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बनी रहे। बस यही एक ट्रिक है सूखी भाजी बनाने का, वरना मसाला तो आप अपने पसंद से जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें। फ्लेम को तेज ही रखना है। अब यहाँ पर 1/4 cup हमने पानी लिया है जो इसमें डाल देना है। यहाँ पर हम ढक्कन बंद कर देंगे और 1 मिनट के बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे। पूरे 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है और अब पहली बार मैं इसे पलट रही हूँ। इस बीच मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था और आप देख सकते हैं कि 80% भाजी हमारी गल चुकी है। अब यहाँ पर इसे थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी इसमें और थोड़ा वक्त और लगाना है। अब सबसे आखिर में मैंने यहाँ पर 3 मसाले लिए हैं, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और पिसी हुई काली मिर्च। इन 3 मसाले को हमें मिला लेना है
और सबसे आखिर में भाजी के ऊपर डाल देना है ताकि भाजी का टेस्ट चटपटा हो जाए। दो मिनट और ढककर पकने दें। तो चलिए फिर से दो मिनट बाद हम इसे खोलकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये भाजी बिल्कुल रेडी है और मैं इसे छूकर भी नहीं देखूंगी कि ये कितना गला है। ये 100% गल चुका है। अब यहाँ पर अगर आपके पास है तो ये सारी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दें। और एक टिप जो इस भाजी को पकाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप इस तरह की एक थिक बॉटम कढ़ाई जरूर ले लें। इसको बनाने के लिए कोई नॉन स्टिक वन स्टिक की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी देसी कढ़ाई में बहुत अच्छे से बनता है जो कि लगभग 300 रुपये में आज भी ये छोटी दुकानों में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी भाजी कितनी ज़बरदस्त बनी है और मक्खन जैसा ये गल चुका है। तो दोस्तों याद रखना, मैं हूँ नेमत और आप नेमत अहमद के चैनल पर बने हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।